दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 17, जहां पर हम लोग बात करेंगे अस्पृश्यता की। भारतीय संविधान कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये संविधान के शब्द हैं, मतलब बिना किसी कारण कोई जाति के व्यक्ति के साथ सिर्फ उस जाति में जन्म लेने से उसका नीचा मानना, ऐसा सदियों से हमारे समाज में चले आ रहे ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछूत की निंदनीय प्रथा को खत्म करने के लिए इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में ये प्रोविजन किया गया। हम सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अंबेडकर साहब थे, जो एक दलित जाति से आते थे, जिससे वह ऐसी जाति के दर्द को अच्छे से समझ सकते थे। आर्टिकल 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र एब्सोल्यूट आर्टिकल है, यानी अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की कोई व्याख्या नहीं की हुई है और ना ही संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में इसकी व्यवस्था दी गई है। इस शब्द का अर्थ सर्वविदित है, किंतु मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इसके अर्थ को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने कहा कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कई कारणों से अनटचेबल माना जा सकता है, जैसे जन्म, रोग के आधार पर, मृत्यु और अन्य कारणों से उत्पन्न अनटचेबिलिटी के आधार पर। इसका अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों से समझना चाहिए जो भारतवर्ष में जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई है। आर्टिकल 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति प्रथा की देन है, ना कि शाब्दिक अनटचेबिलिटी का। जैसे कुछ मैं कारण आपको बताता हूँ, किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में, जैसे अस्पतालों में, दवाई के स्टोर में या शिक्षण संस्थाओं, मतलब स्कूलों वगैरह में, यूनिवर्सिटीज में उसको प्रवेश ना दें, तो ये भी अनटचेबिलिटी का प्रोविजन होगा। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद आदि में ना जाने दें, ठीक है। किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल में उसे खाना नहीं खाने दें, टॉकीज में ना घुसने दें या उस पर पाबंदी लगा दी जाए। किसी सार्वजनिक जलाशय, मतलब तालाब में, किसी सार्वजनिक नल से पानी नहीं लेने दें, रास्ते में नहीं जाने दें। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं उसको रोकने के लिए आर्टिकल 17 का प्रोविजन किया गया। SC, ST, OBC के किसी सदस्य का अनटचेबिलिटी के आधार पर अपमान करा जाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनटचेबिलिटी का उपदेश दिया जाए, इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार मानकर किसी जाति प्रथा को अस्पृश्यता की बात बताई जाए कि मैं तो उसका पालन कर रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा, इसको भी अपराध माना जाएगा। क्या भारत में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कोई कानून है? अब यह मूलभूत अधिकार अपने आप लागू नहीं होता। चलिए हम लोग बात करते हैं, संविधान लागू होने के 70 सालों के बाद भी भारत में कई जगहों पर अभी भी अनटचेबिलिटी का पालन हो रहा है और इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 35 में एक व्यवस्था दी गई। इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। एक ये दंडनीय अपराध है जिसमें किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा सकती है। गुनाह साबित होने पर 6 महीने का कारावास या ₹500 जुर्माना या दोनों का प्रोविजन उस समय 1955 में किया गया था, ठीक। अब कोई व्यक्ति है संसद या राज्य विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए किसी उम्मीदवार पर आरोप लगाता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, अनटचेबिलिटी के बेस पर कोई आरोप लगाता है तो। इसी के विषय से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी लेके आया गया, उसमें 2 साल का कारोबार और ₹2,000 दंड या फिर दोनों को देने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अब अगर मान लें कि कोई ऐसा अनटचेबल कार्य हुआ जो किसी कानून में उल्लेखित नहीं है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय निर्णय देगी जिसको उस कानून में समावेश करना होगा। मतलब अगर आ गया और कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उसको कानून में एड करना होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 17 को थोड़ा विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 में कहा गया हमारे संविधान में कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध माना जाएगा। अस्पृश्यता से जो भी समस्या या निरोगता उपजेगी उसको लागू करना अपराध होगा और अगर कोई इसको लागू कर रहा है, जो अपराधिक प्रकृति की निरोगता है, वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी हमारे देश में सभी रूपों में इसका विरोध किया गया,
संविधान ने अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया, लेकिन आर्टिकल 35 के अनुसार संसद द्वारा इस प्रोविजन को लागू करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं। आइए हम लोग इन्हीं अधिनियमों की विस्तृत चर्चा करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो अधिनियम बनाया गया है आर्टिकल 17 के अधीन, उसका नाम है अनटचेबल से रोकने के लिए यह अधिनियम है। और आर्टिकल 17 है बच्चों, ये है अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, ये अनटचेबिलिटी से संबंधित है। और इसके लिए आर्टिकल 35 के तहत हमारी पार्लियामेंट को एक पावर दी गई कि संसद इस अधिनियम मतलब अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए क्या बनाएगा, इसके लिए कानून बना सकता है, अधिनियम बनाएगा। तो इसके अधिनियम इसके तहत बनाते हैं, याद रखना अधिनियम आर्टिकल 35 के तहत बनते हैं। सबसे पहले एक 1955 में एक अधिनियम आया 1955 में कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसका नाम था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब ये क्या कर रहा था, जो 1955 वाला एक्ट था इसके द्वारा नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम लाया, लेकिन इसमें 1976 में अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया। अब हमें 1976 वाला एक्ट, उसके बाद 1989 में भी इसमें संशोधन होगा, पहले हमें समझना है 76 में क्या हुआ। अब इसे नाम दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पहले था अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में, जो एक्ट था इसका नाम था अस्पृश्यता अधिनियम, ठीक है। और 1976 में इसका नाम हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब देखिए यह अस्पृश्यता विरोधी प्रावधानों को काफी सशक्त करता है और कहा गया कि अस्पृश्यता एक संज्ञा समझ रहे हैं, जिसमें मतलब जैसे पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, उसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध। और गैर समाधेय मतलब नॉन कंपाउंडेबल, मतलब ऐसे ये केसेस हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता भले ही दोनों पक्षों में समझौता क्यों ना हो जाए। इस मामले में राज्य एक पक्ष बन जाता है और दूसरा पक्ष जिसके साथ वो घटना घटती है, तो यह कानून त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का प्रावधान कर सकता है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी जो मैंने आपको यहाँ पर बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो चीजें, ठीक है। एक तो ये संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय का मैंने मतलब आपको बताया, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। दूसरा है नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब समाधेय है, ठीक है, समाधेय बोल लो या फिर इसको गैर समाधेय, मतलब इसका समाधान नहीं हो सकता। तो संज्ञेय है और गैर समाधेय है। गैर समाधेय का मतलब बताया कि ऐसे केसेस हैं जिनमें एक बार अगर केस दाखिल हो गया तो इन्हें आप वापस नहीं ले सकते भले ही दोनों पक्षों में समझौता क्यों ना हो चुका हो। ये मैं 1976 का प्रोविजन बता रहा हूँ। इस मामले में क्या हो जाएगा, स्टेट मतलब राज्य मतलब सरकार एक पक्ष बन जाएगी, ठीक है, तो ये अपराध हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये संज्ञेय अपराध है, गैर समाधेय अपराध है, ठीक है। और इसमें त्वरित सुनवाई का प्रोविजन किया गया, त्वरित सुनवाई क्यों, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो पीड़ित है उसको डराया जाए धमकाया जाए, इसलिए इसमें त्वरित सुनवाई का उसमें प्रोविजन का प्रोविजन किया गया। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को न्याय प्रदान करने और उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत देना, उनको कहीं बसाना, पुनर्वास उपलब्ध कराने के साथ ही उनको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करने का एक प्रोविजन था। अब इसी में 1989 में थोड़ा सा संशोधन करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्ट क्या हो गया, अब इसके लिए एक एक्ट नया पारित किया गया कि भैया सुनो इनके लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो वहां पर किया गया SC ST, ठीक है, एक्ट 1989, एक दूसरे एक्ट को लाएगा, ये सेकंड एक्ट है, यहाँ पर SC ST एक्ट 1989 को लाएगा। अब इसमें क्या प्रोविजन किए गए,
अब सुनना है, अब इसमें भी संशोधन हो गया, इस एक्ट में संशोधन हो गया, और संशोधन हुआ 2015 में। अब रिसेंटली हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा समझना, 2015 वाला। इसका उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम, ठीक है, मैं इसको पॉइंट में कर दे रहा हूँ, नोटिस क्या करना है, अत्याचारों की रोकथाम, ठीक है, अत्याचारों की रोकथाम इसमें बात की गई है, पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, और इसके लिए और अधिक कठोर प्रावधान सुनिश्चित किए गए, ठीक है। अब ये जो अधिनियम था, इससे पहले वाले अधिनियम में ये संशोधन था, ठीक है, कौन से वाले में, 1989 वाले। अब इसमें क्या क्या खास चीज है, देखिए बहुत सारी चीजें इसमें बात की गई, अपराधों की एक बड़ी लिस्ट या विस्तृत सीमा इस एक्ट के तहत बनाई गई, अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो, ध्यान देना मेरी बात, अनुसूचित जनजाति हो चाहे वो SC हो चाहे ST हो, इन जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले नए अपराधों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सिर और मूंछ के बालों का मुंडन कराने, तो उस समय ऐसे केसेस आए थे, मुंडन कराने और इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत्य शामिल। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अत्याचारों में समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना, उन्हें सिंचाई सुविधाओं तक जाने से रोकना, मतलब खेत में अगर वो सिंचाई करना चाहते हैं तो वो वहां पर भी उच्च जातियां उनको जाने से रोक देती थी, ठीक है, वन अधिकारों से वंचित करना, अगर वो जंगलों में जाना चाहते हैं वहां से फल वगैरह या लकड़ियां लेके आते थे उनसे उनके अधिकारों को भी छीना गया, और जो ह्यूमन वेस्ट था, पशु कंकाल थे, ठीक है, इनको लाने और ले जाने के लिए बाध्य करना कि भैया सुनो जानवर मर गया इसको उठा के ले जाओ, नहीं ले जाओगे तो उनसे मार मार के उठवाया जाता था, ठीक है, जबरदस्ती उनसे कब्र खुदवाई जाती थी, सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उपयोग कराया जाता था, जैसे सुनिए कि आप आइए भैया आइए आपको ये वेस्ट ह्यूमन वेस्ट है जिसको आप लैटरिन कहते हैं उसको उठाना होगा, और सिर पर ढो के वो ले जाते थे, इसलिए उसको मैला ढोने की प्रथा कहते हैं, ठीक है। अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में कन्वर्ट करना, यह भी चल रहा था, जाति सूचक किसी को गाली देना, कोई भी जाति उसके सूचक उसको गाली देना, उसको उस जाति से कह के बुलाना, कैसे नहीं कहते शर्मा जी इधर आइए वर्मा जी इधर आइए, ऐसे ही उनको उस पर्टिकुलर जाति सूचक गाली देना, जादू टोना अत्याचार को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, उनका चुनाव लड़ने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से भी रोका गया कई एरियों में, खासतौर पर साउथ इंडिया में ये प्रोविजन बहुत ज्यादा चल रहे थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को का वस्त्र हरण करना या उनके कपड़े उतार देना, ठीक है, उनको धमकाना, ठीक है, इसके किसी सदस्य को घर गांव और आवास छोड़ने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पूजनीय वस्तुओं को तोड़ फोड़ देना या उनको विरूपित करना, ठीक है, और इनके विरुद्ध यौन व्यवहार करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। अब या फिर उस भावना से छूना और उस तरह की भाषा का उपयोग करना, वो सारी चीजें इसमें लाई गई। तो अत्याचार रोकथाम विधेयक 2015 है ना, इसमें अत्याचारों की विस्तृत सीमा बनाई गई, ठीक है। तो 2015 में क्या किया गया, इसकी एक विस्तृत सीमा तैयार की गई, अत्याचारों की लिस्ट है, अत्याचारों की डिटेल लिस्ट बनाई गई, ठीक है। अब उसमें एक बात और की गई, आहत करना और धमकाना, डराना धमकाना इसे कहते हैं, आहत करना और धमकाना। अब आहत करना और धमकाना को समझते हैं, SC और ST जनजातियों के सदस्य को आहत करने, उन्हें दुख या मतलब डराना, मारना या अपहरण जैसे अपराधों को इसमें शामिल किया गया। इसमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रोविजन है, 10 साल से कम की सजा का प्रोविजन, उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम में अपराध के रूप में शामिल करना, ठीक है, इसलिए लेके आए। अब इस प्रकार के मामले होते हैं, आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, किडनैप कर रहे हो, 10 वर्ष और उससे अधिक की सजा वाले अपराधों को इसमें लाए। अभी तक इसके लिए पहले 10 वर्ष से कम सजा का प्रोविजन था, अब इसमें क्या किया गया, इसके लिए 10 वर्ष से ज्यादा की सजा वाले अपराधों को इसमें लाए गए, ठीक है। तीसरा, इस अपराध में, इस एक्ट में एक बड़ी खास बात की गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की जरूरत है,
कि अब इनको त्वरित निपटाना, मामलों का तेजी से निपटाना, ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने तो आप क्या करेंगे, इन मामलों को तेजी से निपटाइए। सीधे कहा गया, क्या कहा गया कि तेजी से निपटाना मामलों की त्वरित सुनवाई। मैंने आपको पहले भी बताया तेजी से निपटाने के लिए ये अधिनियम क्या करता है, विशेष रूप से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाने की बात करता है। ठीक है, तो इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष त्वरित सुनवाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको विशेष अदालतें बनानी होंगी, इसके लिए अलग से अदालतें बनाओ, ये भी इसमें प्रोविजन किया गया, विशेष अदालत का प्रोविजन किया गया। ठीक है, अब एक और है, इस अधिनियम में प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति है। प्रत्यक्ष संज्ञान का मतलब क्या हो गया कि भैया सुनो, आप क्या करोगे, इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों में हमने बोला मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनानी होंगी। यहां तक ये भी अधिकार दिया गया है कि जहां तक संभव हो, आरोप पत्र जैसे ही दाखिल हो गया उसकी तारीख से 2 महीने के अंदर सुनवाई करो, तो क्या करना है, प्रत्यक्ष संज्ञान, प्रत्यक्ष संज्ञान, जिस दिन केस दाखिल हो गया, केस दाखिल हो गया तो 2 महीने के अंदर क्या करना है, 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करना है, 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, स्टार्ट नहीं हो, पूरी होनी चाहिए। पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों पर यहां पर कुछ चीजें और जोड़ी हैं और उनको स्पेशल यहां पर प्रोटेक्शन देने की बात की, कि जो पीड़ित हैं, जो गवाह हैं, उनको विशेष प्रोटेक्शन देना, पीड़ितों को प्रोटेक्शन। ठीक है, यहां पर एक प्रोविजन किया गया, पीड़ितों की सुरक्षा, गवाह की भी सुरक्षा यहां पर बात की। ठीक है, शिकायत दर्ज होने से लेकर, ठीक है, इस अधिनियम को लागू करना और लागू करने से लेकर हर स्तर के कर्मचारियों के लिए जानबूझकर की गई ढिलाई, अब इस प्रोसेस में अगर आप कोई ढिलाई कर रहे हो तो वहां पर वो जिम्मेदारी उस अधिकारी की तय होगी जो वहां पर ढिलाई कर रहा है। साथ ही साथ इसमें अपराध की कुछ नई परिकल्पनाएं भी जोड़ी गई, जैसे क्या बात की गई, यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके परिवार से परिचित है, यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके अभियुक्त वो जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, पीड़ित या उसके परिवार से परिचित है, तो जब तक इसके विरुद्ध सिद्ध ना किया जाए, अदालतें यह मानेंगी कि अभियुक्त पीड़ित की जाति अथवा जनजातीय पहचान के बारे में जानता था। याद रखना, यहां पर अपराध की कुछ नई परिकल्पनाओं को भी जोड़ा गया है। ठीक है, बात समझ में आई।